अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। पिछली दो प्रिडिक्शंस में हमने एक प्रिडिक्शन की गई कि अभूतपूर्व आर्थिक मंदी के ऊपर सबसे बड़ी भविष्यवाणी, और दूसरी प्रिडिक्शन की गई युग परिवर्तन के दशक के बाद क्या होगा, सबसे बड़ी और विश्वसनीय भविष्यवाणी। अब दोनों में गोल्ड प्राइस के ऊपर जब वो तीसरे विश्व युद्ध का समय होगा, जब वो अपनी चरम सीमा पर होगा या फिर जब समाप्त होगा, उसके बाद गोल्ड प्राइस का क्या होगा, एक प्रिडिक्शन की गई। सीधी सी बात है कि कई लोगों के लिए वो स्वीकार करना थोड़ा सा असहज है, और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये बातें गोल्ड के लिए किसी को भी स्वीकार करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। लेकिन हमने दूसरी वाली प्रिडिक्शन में, मतलब वो युग परिवर्तन के दशक वाली प्रिडिक्शन में भी क्लियर किया था कि वो तब होगा जब तीसरा विश्व युद्ध पहला तो शुरू होगा, और कुछ दिनों की बात नहीं है, ये बहुत लंबा चलने वाला समय अंतराल है। और 2029 से 39 में आप देखोगे कि कितने बड़े बड़े युद्ध का समय विश्व देखेगा, तो वो तब की बात है, तो उसमें अभी बहुत लंबा समय बाकी है। लेकिन तब तक गोल्ड प्राइस बढ़ती ही रहेगी, अब कहाँ पे जाके अटकेगी नहीं पता। कई लोग पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए। गोल्ड सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है सालों से, और जब तक वो परिस्थितियाँ नहीं बनेगी तब तक वो सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा ही, और काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट भी रहेगा। तो जब इसी साल की अगर हम, अब वो बहुत लंबे समय के बाद की बात हो गई, अब निकटवर्ती समय की हम बात करें, जब जून के मध्य भाग से, मतलब 17 या 18 जून से शनिदेव वक्री होंगे, और नवंबर के 4 या 5 तारीख तक वो वक्री रहेंगे, तो ये जो समय अंतराल है 2023 में, आज हम 2 मई को बात कर रहे हैं, और जो समय अंतराल की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही निकट है। 18 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 जब शनिदेव वक्री होंगे, ये समय अंतराल ऐसा दिख रहा है ज्योतिषीय रूप से कि गोल्ड की प्राइस में अचानक से एक बड़ा उछाल आ जाए। बिल्कुल कल्पना से परे बात लग सकती है, लेकिन प्रिडिक्शन करने का हमारा तरीका भी शायद ट्रेडिशनल ज्योतिष से बिल्कुल अलग है, तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि सिर्फ ये बता दिया और ये प्रिडिक्शन दे रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि गोल्ड की प्राइस में एक बड़ा उछाल एक्सपेक्टेड है, स्पेशली 18, आज अभी क्या भाव चल रहा है, आई थिंक 60,000 के आसपास भाव चल रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है, जो भी भाव चल रहा हो एट प्रेजेंट, जो आज का भाव है आप मान के चलिए कि उसमें एक बड़ा उछाल आने की प्रबल संभावनाएं हैं जब शनिदेव वक्री होंगे उस समय मर्यादा के दौरान, मतलब 18 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 का जो समय अंतराल है उसमें गोल्ड के प्राइस में आप तेजी देखोगे। ये तेजी से बढ़ता ही जाएगा, जैसे जैसे ये आर्थिक मंदी की स्थितियाँ विकराल बनती जाएगी गोल्ड का प्राइस तेजी से बढ़ेगा, और ये तब तक बढ़ता रहेगा। अब ये मैं आज की तारीख में तो नहीं कह सकता कि वो प्रिडिक्शन कितनी सच होगी, उसके लिए समय का वेट करना पड़ेगा, लेकिन निकटवर्ती समय में एक समय अंतराल ऐसा है कि जहाँ पे गोल्ड के प्राइस में अचानक एक बड़ा उछाल आ जाए, ऐसी संभावनाएं बन सकती है। तो अगर आप हमारे यहाँ पे तो ट्रेडिशन है कि बच्चों के मैरिज के लिए वगैरह बहुत सारा जितना भी क्षमता में होता है उतना गोल्ड परचेस करते हैं और देते हैं, अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं और आप खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो शायद अभी ले लेना चाहिए, क्योंकि उस समय अंतराल में ज्योतिषीय रूप से हमें तो दिख रहा है कि गोल्ड के प्राइस में एक बड़ा उछाल आएगा। अभी आने वाला समय ही बताएगा, ये तो बहुत निकटवर्ती समय है, जून से नवंबर के बीच में पता चल जाएगा कि ये असर, जो ग्रह का एक असर आपको बताया, वो गोल्ड की प्राइस के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट करता है। देखेंगे उस समय अंतराल में ये प्रिडिक्शन कितनी हद तक सही होती है। बस यही बताना था, वो जब भी होगा
उस समय की चिंता छोड़ दीजिए, तब कुछ भी हाथ में रहा नहीं होगा। उससे पहले बहुत सारी आर्थिक परिस्थितियों को डिस्ट्रॉय होते हुए आप वर्ल्ड वाइड देखोगे, तो उसके बाद तो वो होना तय है जो दोनों प्रिडिक्शंस में बताया गया था कि उस टाइम की जो प्राइस होगी उसके पीछे से एक जीरो निकाल दीजिएगा। और वो भी सिंगल डे में नहीं होगा ना साहब, उसके लिए भी समय लगेगा। लेकिन उन परिस्थितियों तक पहुंचते पहुंचते गोल्ड की प्राइस कहां तक पहुंच चुकी होगी वो भी तो देखिए। बस यही बताना था, गोल्ड प्राइस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्शन निकल के आया था और कई लोगों को शायद ये काम में भी आ जाए। तो ज्योतिषीय विश्लेषण है और जो हमारा मंतव्य है कि ये होने की प्रबल संभावनाएं हैं, तभी यहाँ पे इसे प्रिडिक्शन के स्वरूप में रखा जा रहा है। तो अगर बच्चों के मैरिज वगैरह के संदर्भ में आप खरीदारी करना चाहते हैं तो ये एक अनुकूल समय है। शायद कुछ महीनों के बाद जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ उछाल देखने को मिले और आपको शायद थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च भी करने पड़े। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद तीन ऑप्शन आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर डिटेल्स में लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।